मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज केंद्र सरकार की तरफ से एक आदेश गया है सभी मंत्रालयों को कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका लोगों को असर हुआ है, जिनका लाभार्थी हुए हैं, लोगों को फायदा हुआ है, उनके जीवन में कोई सुधार आया है, उन स्कीमों को लेकर गांव-गांव जाएंगे। तो पहले तो ये काम पॉलिटिकल पार्टी करती थी और फिर सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसका DABP है, उसका अब एक नई डिवीज़न बनी थी, इसको बोलते हैं COB, यानी जो इनका कम्युनिकेशन ब्यूरो है वो, और ये पहले फील्ड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट होता था। क्योंकि गांव-गांव में जाके अगर आपको याद हो तो जो मेरे साथ के लोग होंगे, जो नए बच्चे होंगे, उन्हें नहीं पता, पहले गांव में सरकार एक प्रोजेक्टर लगाकर फिल्में दिखाती थी और सरकारी योजनाओं का प्रचार करती थी। सरकारी उन योजनाओं का जो लाभ जिनको हो रहा है, उनके अलावा जो बीमारी से रिलेटेड होते थे, जिससे लोगों को बीमारी ना लगे, लोगों को अवेयर कराया जाता था, तो उसी टाइप की स्कीम अब मोदी सरकार ने निकाली है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी भारत विकास संकल्प यात्रा निकालेंगे। ये सरकारी कर्मचारी निकालेंगे, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी और उनसे नीचे के जो ऑफिसर हैं वो जाएंगे गांव-गांव, पंचायत 2.7 लाख पंचायतों तक जाएंगे और वहाँ वो लोगों को बताएंगे कि जो केंद्र सरकार की योजना है उन योजनाओं का उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। अब इन योजनाओं में जो है, जैसे उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका योजना है, PM किसान योजना है, फसल बीमा योजना है, पोषण अभियान है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, PM गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना, कौशल विकास योजना, विश्वकर्मा योजना, इन योजनाओं के बारे में, चूँकि सरकार योजना तो निकाल देती है लेकिन उन योजनाओं का धरातल पर कितना असर हो रहा है, लोगों को कितना पता है, वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं, इस बारे में बात होगी। अब इस पर कांग्रेस ने बड़ा ऐतराज़ किया क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने तीनों सेनाओं से भी कहा था कि आप जब जगह सेल्फी पॉइंट बनाकर वहाँ लोगों को बताओ सरकारी योजनाओं के बारे में। तो कांग्रेस ने कहा था कि सरकार सेना और सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण कर रही, क्योंकि ये काम तो राजनीतिक दलों का है प्रचार करना। प्रचार का जो विज्ञापन सरकार देती है वो उसका एक डिविजन है, लेकिन सारे कर्मचारियों को चुनाव प्रचार के लिए लगा देना, ये इस पर कांग्रेस ने ऐतराज़ किया है। और देखते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद ये योजनाएं शुरू हो जाएंगी। पर मुझे याद आता है कि ठीक 5 साल पहले मोदी सरकार ने ऐसा ही किया था कि जो सरकारी कर्मचारी है उनकी कैंप लगवाए थे जगह जगह पूरे देश भर में और उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताया था, तो उससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ था। कि लोगों को पता नहीं था कि कौन से स्कीम उनके लायक है, तो वही लोगों को लोग पूछते थे, वो जवाब देते थे या उनका समाधान भी करते थे। तो उसमें सरकार ने डिस्ट्रिक्ट टाइप बनाया था कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक जॉइंट सेक्रेटरी बैठेगा और उसके नीचे जो कर्मचारी होंगे वो गांव-गांव जाएंगे और फिर एक दिन हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा कि किसी एक जगह, उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट के किसी एक जगह या 2-3 जगह कोई पंचायत लगाएंगे, वहाँ DM आके या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर आके उनको संबोधित करेगा, उनके ये स्कीमों के बारे में करेगा। तो वो स्कीम काफ़ी सफल हुई थी। बात उसको सरकारी कर्मचारी पहले तो आनाकानी कर रहे थे जाने में, लेकिन जब वहाँ से लौट के आए तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा था कि लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया था। तो उसी टाइप की योजना अभी सरकार ने शुरू करने जा रही है, दिवाली के बाद ये शुरू हो जाएगी। सभी सरकारी कर्मचारियों को जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास चिट्ठियाँ चली गई हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा होगी और ये रथ मनाई जाएंगे जगह जगह, और इन रथों में सरकारी कर्मचारी स्कीमें, सरकार की स्कीमें लेके लोगों तक जाएंगे। तो इस पर कांग्रेस ने ऐतराज़ किया है। कांग्रेस का कहना है कि मिसयूज़ है, दुरुपयोग है और सरकार चुनाव का प्रचार सरकारी कर्मचारियों से करा रही है, इस तरह की बात कांग्रेस ने की है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। चूँकि जो सेना को कहा गया है कि आप सेल्फी पॉइंट में 825 सेल्फी पॉइंट बनाकर प्रचार करेंगे, तो उसका भी कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन सरकार के कान पर उसका जूम नहीं रहती है, सरकार इसका परवाह नहीं करती। तो मुझे लगता है कि जो ये स्कीम है इसका कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन इसका सरकार कोई इनको ध्यान नहीं देने वाली है।
तो मित्रों ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है और इस खबर का तो निश्चित तौर पर सबके जीवन पर असर होना ही होना है, और ख़ासकर जो लोग जो गांव के लोग हैं, जो गांव में लोगों को कई बार पता नहीं चल पाता है कि वो स्कीमें किसके लिए हैं, कहाँ हैं, क्या उसका हाल है, कौन उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पता नहीं चल पाती है, तो अब सरकार इस तरह से बताएगी। मित्र एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारा जो गगनयान का ट्रायल है वो सफल हो गया है और इसरो अब मानव अंतरिक्ष उड़ान की ओर बढ़ेगा, इसका पहला कदम है क्योंकि आज गगनयान गया, हालांकि शुरुआत में उसका एक फॉल्ट आ गया था तो उसकी जो उड़ान थी टेस्ट था वो 2 घंटे लेट हो गया और उसके बाद उसको तुरंत ठीक कर दिया गया और उसके बाद फिर जब ये उड़ा तो सफलतापूर्वक, और बड़ी सबसे खास बात है कि सबसे सस्ता सबसे छोटा रॉकेट है, रॉकेट लॉन्चर है, उससे ये सफल एक अभियान हुआ और इस अभियान के कारण अब दो हज़ार पच्चीस में इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो अब ये जो आज जो परीक्षण किया गया ये 10 बजे शुरू हुआ और उसके बाद इसको जो इसका जो इसका जो पोलर्ड पोलार्ड थे उनको बाद में समुद्र में फेंका गया, क्योंकि ये तो एक एक्सपेरिमेंट था कि इसको आसमान तक लेके जाना है और कैसे इसका एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये टेस्ट एक्सपेरिमेंट था, और उसके बाद से जब ये वापस जो उसके पोलर्ड थे उनको समुद्र में गिरा दिया गया तो सफलतापूर्वक ये आज काम हुआ है। उस पर सभी लोगों ने खुशी जाहिर की, प्रधानमंत्री से लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन से लेकर सभी ने। तो एक अच्छा जो अभी चंद्रयान 3 और हमारा आदित्य 1 सफल हुआ, आरब गगनयान सफल हो रहा है। और मित्रों इसके अलावा आज एक पॉलिटिकल खबर भी है कि भाजपा और कांग्रेस ने राजस्थान के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और उसमें वसुंधरा राजे को झालरापाटन से चुनाव लड़ाया जाएगा, झालरापाटन। अशोक गहलोत अपनी पुरानी सीट सरदारपुरा से ही लड़ेंगे, सचिन पायलट भी टोंक से लड़ेंगे। और इसके अलावा राजस्थान में बीजेपी ने 9 विधायकों के टिकट काटे हैं, एक उसमें चित्तौड़गढ़ है जहाँ चंद्रमान का टिकट काटा गया है और उनकी जगह नरपत राजवी को चुनाव लड़ाया गया है। नरपत ये भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद हैं, इनका टिकट काटा गया था, ये विद्याधर नगर से चुनाव लड़ते थे लेकिन वहाँ एक और महारानी दिया कुमारी को टिकट दिया गया, वो सांसद हैं और इसलिए इनका टिकट काट के इनको अब चित्तौड़गढ़ भेजा गया है। इसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राजेंद्र राठौर, वो भी अपनी सीट यानी जो उनकी चोरू सीट थी वहाँ के जगह वो अब तारापुर आ गए हैं। और इसके अलावा सतीश पूनिया हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उसमें खासकर 2 ही नेता हैं, तो अशोक गहलोत हैं और एक सचिन पायलट हैं। तो अब ये तय हो गया कि वसुंधरा और सचिन, ये जो अशोक गहलोत हैं उनके बीच में मुकाबला होगा, क्योंकि हालांकि बीजेपी ने वसुंधरा को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है लेकिन फिर भी क्योंकि पहले तो ये था कि इनको टिकट ही नहीं मिलेगा लेकिन अब टिकट इनको इनको दे दिया गया, तो अभी अभी चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगे। मित्रों एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली में खराब हवा को देखकर कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं और वायु प्रदूषण जो गुणवत्ता है वो 23 से 24 को बेहद ख़राब रहने की आशंका है, तो इसलिए वायु गुणवत्ता आयोग ने निजी परिवहनों को हतोत्साहित करने की सिफारिश की है, कहा है कि पार्किंग का रेट बढ़ा दें तो लोग गाड़ी नहीं ले जाएंगे। अब बताइए किसी को आप बोलो भूख लगी बोलो उसको खाना बंद हो तो अन्न बच जाएगा, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि पोल्यूशन का दिल्ली में ही क्या है, दिल्ली में कोई भगवान रहते हैं, ये जो इंसान है दिल्ली के भगवान है क्या, और जगह दिल्ली की बाहर या जो प्रॉब्लम है जो दिल्ली के बाहर के लोगों को पोल्यूशन नहीं है क्या, जो सिर्फ दिल्ली में सारा लोग फोकस है पटाखे नहीं जलाने या कुछ नहीं कर रहा है, तो इन लोगों को दिल्ली के लोगों को वहीं बाहर बैठा देना चाहिए। हमारे त्योहारों को
इन पोल्यूशन के कारण बंद किया जा रहा है। पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन इसलिए नहीं हो रहा कि कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं या कुछ पटाखे फूट रहे हैं। पोल्यूशन ओवरऑल डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ जोग्राफिकल जो जोग्राफी है दिल्ली की वो एक कटोरा टाइप है कि जो और वो रेगिस्तान से यानी राजस्थान से उतनी दूर है जितना पहाड़ों से दूर है। और जब पहाड़ों से ठंडी हवा चलती है तो यहाँ ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और तो राजस्थान से गर्म हवा चलती है तो यहाँ गर्मी हो जाती है। और जब ठंडियाँ होती हैं और हवा भारी हो जाती है तो जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए यहाँ वो जमा रहते हैं। वो भी तो कब जमा होते हैं, जब हवा नहीं चलती। अगर हवा चलती रहे तो होगा, तो वो पोल्यूशन का कारण सिर्फ एक कारण नहीं है कि पटाखे फोड़ रहे हैं या कोई गाड़ियाँ चल रही हैं। गाड़ियाँ चलने का एक उसमें एक रीज़न है, पर ओवरऑल तो जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन गैस भी जला रही है, खाना भी खा रही है, गाड़ियों में भी चल रही है, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। तो ओवरऑल पॉल्यूशन का चलता है। कुछ कुछ इंडस्ट्री भी है यहाँ, बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, बड़ी तो सब यहाँ से शिफ्ट कर दी गई, पर फिर भी कुछ ना कुछ कारखाने तो आसपास चल ही रहे। तो ज़्यादा सख्ती इंसान को इंसान की तरह ही यूज़ करना चाहिए उसको। उसको अब जो पोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं या क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, यूक्रेन में रूस ने अपने जितने एक्सपायरी बारूद था वो सब यूक्रेन में गिरा दिया। इसराइल लगातार गाजा में बम फेंक रहा है, तो वहाँ तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि वहाँ पोल्यूशन है, वहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो सब ठीक है। सिर्फ दिल्ली वालों के लिए क्लाइमेट और सब चीज़ें। तो मित्रों, इसके अलावा आज क्रिकेट का बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। आज दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ, और आज सबसे बड़ी हार हुई है इंग्लैंड की। 262 रनों से 170 रन केवल इंग्लैंड ने बनाए, जबकि साउथ अफ्रीका ने 399 रन बनाए थे। बड़ा एक उनको लक्ष्य दिया था और वो बाहर हो गई। और आज नीदरलैंड को हराकर श्रीलंका ने भी खाता खोला है। तो कुल मिलाकर अब अफगानिस्तान 10वें नंबर पे लास्ट में है, फिर इंग्लैंड है 9वें नंबर पर, फिर उसके बाद श्रीलंका है, फिर नीदरलैंड है, फिर बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, और ऑस्ट्रेलिया अब 4थे नंबर पर आ गई है। दक्षिण अफ्रीका 4थे नंबर पर आ गई है, ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर। तो अब टॉप का मुकाबला होना है। तो कल का जो मुकाबला है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच है, तो ये मुकाबला सेमीफाइनल तय करेगा, यानी सेमीफाइनल के लिए अपना दावा मजबूत करेंगे इन दो में से कोई एक टीम सेमीफाइनल पे पहुंचेगी। तो कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और आज के दोनों मैच बहुत इंटरेस्टिंग थे। हालांकि ये टीमें बहुत नीचे पायदान पर है, उनका तो ऊपर आना बड़ा मुश्किल है। तो हम कल के मैच का भी इंतज़ार करेंगे और फिर आपको और भी जानकारियाँ देंगे। मित्रों, एक और खबर जो मैंने आपसे, हालांकि एक पुराने वीडियो में, एक इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा है, उनका मामला और सीरियस होता जा रहा है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि उनका जो सरकारी आईडी है एनआईसी का, लोकसभा मेंबर के नाते, उसको दुबई में खोला गया है। और वो दर्शन जो नंदानी है उन्होंने खोला, और वहाँ से उन्होंने सवाल पूछा, और इनका आरोप है कि महुआ मोत्री ने मोइत्रा ने उनसे पैसे लिए, गिफ्ट लिए। हालांकि इस बारे में दर्शन महानंदानी है वो इसका खंडन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। और लो हीरा नंदानी, तो दर्शन हीरा नंदानी का जो ये मामला, चूँकि आरोपी है कि उनको प्रधानमंत्री कार्यालय से डंडा हुआ है, ऐसा महुआ मोइत्रा ने कहा है। और जो निशिकांत दुबे हैं उसने बहुत सारे प्रूफ दिए हैं, और उसने कहा कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए, तो एथिक्स कमेटी में जाए मामला चला गया है। 26 तारीख को एथिक्स कमेटी ने, जिस वकील ने पहला केस दर्ज किया था, जय अनंत देहाद्रई ने, उनको 26 तारीख को बुलाया है, और उसके बाद महुआ मोइत्रा को बुलाया जाएगा। अगर वो प्रूफ मिल जाते हैं तो इनकी सदस्यता चली जाएगी, पुलिस में केस भी दर्ज हो सकता है, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों को भी बताइए, और इसी तरह से वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।